तो दोस्तों मैं आज आया हूँ मेरे खेत में। इससे एक पहले बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि अभी करीब 2 महीना जैसा हो रहा है शायद। तो दोस्तों उस टाइम में हम लोग जब खेत खेत में जब हम लोग धान लगाने आए थे उसका वीडियो था, आप लोगों को दिखाया था। और कितने सारे ने मुझे बहुत लोगों ने मुझे बोला भी, भैया जब काटिंग होगा धान का, जब काटिंग होगा तो उसका वीडियो कब कब ला रहे हो बोल के मुझे बोला है। हालांकि कमेंट में तो नहीं बोला है, जो मेरा अड़ोस पड़ोस का मेरा जो सब्सक्राइबर है उन लोगों ने मुझे बोला है। धान कटिंग तो अभी आप लोगों का और सप्ताह 15 दिन लग जाएगा, क्योंकि धान पूरा तरह से पका नहीं है अभी तक, पकने के बाद ही काटिंग होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बढ़िया से दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है अच्छे से There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, धान कुछ जगह पका हुआ है और कुछ जगह पका हुआ नहीं है अभी तक, मतलब मैच्योर नहीं हुआ है धान। तो इस 7-15 दिन में शायद पक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए इस साइड का मैं थोड़ा बहुत बीज दिखा देता हूँ, धान का जो थोड़ा थोड़ा बहुत हो ही गया है। तो दोस्तों देखिए, जो बीज था अभी थोड़ा बहुत मैच्योर होने लगा है, यानी कि लग जाएगा 7 से 15 दिन मैंने जैसे कि कहा है। तो दोस्तों देखिए, मेरा तो 4 बीघा ज़मीन में जितना इस बार मैंने खेत किया है, तो उस हिसाब से कुछ इस बार कुछ ज़्यादा भी मतलब अच्छा से फसल उगने का मतलब आशा नहीं, क्योंकि बारिश का जो बारिश का समय पे हम लोगों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ा बारिश का वजह से। तो फसल कुछ खराब भी निकलेगा और कुछ अच्छा भी निकलेगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर अच्छा निकला तो अच्छा है, खराब निकला तो क्या करें, मेहनत थोड़ा बहुत पानी में जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग लगे रहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है मेरा खेत। तो आज आया मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी नज़दीक के सब्सक्राइबर है उन लोगों ने बताया था दोस्तों। तो आज देख लिया मेरा जो धान का मतलब अवस्था, धान का सिचुएशन क्या है। तो मैं भी खुद जानना चाहता था मेरा धान का सिचुएशन क्या है, तो आज आके पता चला कि उतना खास तो। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, धान के बीचों बीच जाके धान के खेत पे मैं हूँ अभी, और देखिए धान के उस पार कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। तो पेड़ के उस पार देखिए कुछ पहाड़ है, ताकि वो पहाड़ तो पूरा मतलब कुछ धुआं धुआं सा नजर आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, शायद दिखाई देगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये पूरा पेड़ के जितने पीछे पहाड़ है दोस्तों, ये कौन सा पहाड़ है, शायद नामडांग पहाड़ होगा या होगा। तो दोस्तों कौन सा पहाड़ है अगर आप लोगों को पता है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कौन सा पहाड़ है। मुझे तो लगता है ये शायद लिडू पहाड़ होगा, जैसे कि मतलब हालात देख के वैसे ही लग रहा है मुझे, शायद लिडू पहाड़ ही होगा। तो देखिए दोस्तों इतना बढ़िया नज़ारा, खुद का खेत का मज़ा लेने का अंदाज ही कुछ अलग होता है, और खुद का खेत में जब फसल उग जाता है, फसल बढ़िया से हो जाता है, तो उधर आके मतलब खेत में, जैसे कि मैं अभी देखिए अभी खेत में अकेला हूँ दोस्तों, तो मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। घर से कोसों दूर, बहुत मील दूर मैं इधर अपने खेत में आया हूँ, खेत में आके वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है और बहुत ही मतलब फील बहुत बेटर आ रहा है मुझे, क्योंकि अकेला के अपने खेत में इस तरह अकेला रहना
और बातें करना, कुछ सोचना, कुछ थिंकिंग लाना। तो मैं बहुत देर के बाद अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़े पहले देर में बैठ के कुछ सोच रहा था अपने खेत को देख के। तो दोस्तों यही मजा है अपना खेत होने का, एक बढ़िया भी लगता है, एक आनंद होता है, मन में बहुत फुर्ती होता है। तो दोस्तों खुशी भी लगता है, खुशी होता है जरूर, हर कोई को खुशी होगा क्योंकि अपना खेत है। आके जब भी मन कुछ खराब हो, मन में कुछ टेंशन हो, तो उस टेंशन को भगाने के लिए खेत में आइए। खेत में आके खेत के बीचों बीच जो आपका आली रहता है, तो आली में बैठ के, अभी मैच्योर नहीं हुआ है हालांकि पूरा हरा भरा हो चुका है, तो उस आली में बैठ के आप कुछ थिंकिंग या कुछ सोच, अपना सोच लेके बैठिए और सोचिए। एक अंदर से दोस्तों, एक अंदर से सच में बता रहा हूँ, आज मुझे वो फील हो रहा है दोस्तों, सही में अंदर से इतना खुशी फील हो रहा है और मतलब उछलने को जी कर रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा। कीचड़ उचर कुछ नहीं है, कीचड़ का समय नहीं है तभी भी, मतलब वैसे आप लोगों को कैसा लगता है। बहुत सारे लोगों का खेत भी होगा शायद, जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, और जो जो लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, तो कैसा लगता है खेत में आके, अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट में ज़रूर। तो दोस्तों सूरज भी ढलने वाला है, दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने खेत से, अब चलूँगा अपने सास के घर। सास के घर जाके शायद आज मुझे उधर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि शाम हो चुका है। मैंने सर्दी का कुछ भी कपड़ा, स्वेटर वगैरह, जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, तो इसी का वजह से मुझे शायद आज सास के घर में ही बैठना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, अगर जल्दी होगा तो मैं निकल जाऊँगा, अगर जल्दी ना हो तो मुश्किल पड़ जाएगा क्योंकि शाम को बहुत ठंड होता है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए, अपने भाई रेन को, और हमेशा मेरा वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी के लिए जय हिंद।